सिमलॉक कम्युनिकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभारी हूँ सभी दोस्तों का, प्रोडक्ट सपोर्टर्स का। कभी भी जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है उसकी नई वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, तो आपसे भी एक मेरे को उम्मीद होती है कि आपका एक क्लिक जो है, अगर आप मेरे चैनल को मतलब लाइक करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन की बात होती है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरी वीडियो देखें, अगर आपको वाकई लगता है कि मैं वीडियो में कुछ अच्छा कुछ आपको नॉलेज देने की कोशिश की है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक नया मशीन, बहुत सारी मशीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं 5-in-1, ये टीबी के का नया मॉडल है 5-in-1, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं। किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, मशीन की क्या खासियत है वो बतानी है। सबसे पहले तो ये है कि ये मशीन जो है आपकी फ्रंट स्क्रीन और बैक कवर दोनों को उतारने में, आपको रिमूव करने में काम आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो है इस मशीन के अंदर जो है सक्शन पंप जो लगाया गया, बहुत ही डबल ड्यूल सक्शन पंप है, वैक्यूम पंप है इसके अंदर, जो काफ़ी स्ट्रांग है। अगर मैं वैक्यूम ऑन कर देता हूँ तो ये आप उसके बाद आप उसको हिला भी नहीं सकते। और इस टिल्ट को जो है किसी भी मतलब 360 की डायरेक्शन में पूरा प्रॉपरली रोटेट कर सकते हैं। ये इसका लीवर है, जहाँ आप लगा के इसको जो है बंद कर देंगे वहाँ पर जो है ये क्लैंप जो है टाइट हो जाएगा। और ये जो है टिल्ट को होल्ड करने के लिए, जहाँ पर आप इसको टाइट कर देंगे तो ये टिल्ट जो है आपका लेफ्ट और राइट को मूव करना बंद कर देगा। अगर आपने इसको लूज कर रखा है तो इसको आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। सबसे तीसरी चीज़, एज और स्टेट डिस्प्ले दोनों में ये काम करेगा। सक्शन पंप बहुत स्ट्रांग है, फ़ोन थोड़ा छोटा है इसलिए जो है आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं उसको दूसरा कोई फ़ोन रख देता हूँ तो इसका सक्शन पंप जो है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में बहुत स्ट्रांग है। अगर हम कोई भी सक्शन फ़ोन लगाते हैं, जैसे ये एज फ़ोन है, अगर मैं इसको रखता हूँ इसके कंपैरिजन में, इसमें एक वैक्यूम बटन दिया हुआ है इसको रिलीज़ करने के लिए, तो इसकी आवाज़ पूरी मशीन की चेंज हो जाती है। और ये आप ना तो हिला सकते हैं ना झुला सकते हैं, इसको आप पूरा टाइट कर दीजिए तो ये टिल्ट जो है आपका, ये जो पैनल है जो आपका लेफ्ट राइट दोनों तरफ मूव करता है, ये आपका बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। और ये जो चीज़ है, ये जो लीवर लगा है, ये इसको 360 की डायरेक्शन में रोटेशन करने के लिए लगा है, रोटेट करने के लिए लगा है, तो ये रोटेशन बंद हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि खारी जो है चार काम ही करती है, स्ट्रेट डिस्प्ले उतार सकती है आपकी, एज डिस्प्ले उतार सकती है, साथ में फ्रंट डिस्प्ले आप रिमूव कर सकते हैं और बैक कमर रिमूव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है बैक कमर रिमूव करने के लिए अभी तक कोई मशीन सक्षम नहीं है मार्केट के अंदर। बाकी के दो फीचर जो इसके अंदर बहुत अच्छे दिए हैं, जैसे ही आपने यहाँ से वैक्यूम बन किया आपकी डिस्प्ले आपको उठानी है, ये उठ नहीं रही है। ये बटन दिया है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग वैक्यूम बटन, इसको हमने प्रेस किया, आप इजीली जो है इसको मूव कर सकते हैं यहाँ से उठा के। अब इसके बाद इसके अलावा इससे हम और क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, हमने ये सेक्शन लगाया, ये इसका स्टॉप पिन है, ये आपने अगर अंदर कर दी तो ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जो आपने दिया है, ये जो आपका सक्शन पंप के साथ में जो है आपका लिफ्टिंग नॉब दी हुई है, इसको आप यहाँ पे ऐसे खड़ा कर लेंगे, उसमें भी जो है मैग्नेट दिया हुआ है, ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ये लॉक करने के लिए यहाँ पे पत्ती लगी हुई है मैग्नेट के साथ में, ये इस तरह से मूवेबल है। इसको आपने यहाँ पे रखा, ये इस तरह आ गया। और जब भी आपको कोई डिस्प्ले लिफ्ट करनी है, जैसे आपको आईफोन 12 खोलना है या आईफोन 13 खोलना है, उसका बैक कवर उठाना है, तो सिंपली जो है उसको आपको उसके नीचे लगाना है लाइक दिस। ये मैंने रखा और इसको मैं एक तरह से होल्ड करता हूँ, ये बैक कवर पे होल्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद आप इसको जो है सक्शन पंप को ऐसे खोलेंगे और इसको जहाँ पे आपको ले जाना है जिस डायरेक्शन में, लिफ्टिंग नॉब को आप लूज़ करेंगे, लूज़ करने के बाद जो है इसको आप दबा के जो है यहाँ पे प्रॉपरली दबा के ये दबा के प्रॉपरली जो है आप इसको ऐसे बंद कर देंगे तो ये आपका जो है पूरी इसकी ग्रिप में आ जाएगा ये। और उसके बाद जब आप इसको हल्के हल्के टाइट करेंगे तो ये जो है आपका ऊपर की साइड में उठना शुरू हो जाएगा और इजीली जो है आपकी डिस्प्ले उड़ जाएगी। पहले भी जो सनशाइन की मशीन है उसमें करके दिखा चुका हूँ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसे डिस्प्ले उठाना। सिर्फ मेन था कि किस किस को इसकी होल्डिंग पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें दो वैक्यूम पंप ऑलरेडी लगे हुए हैं। तीसरी चीज़, अगर आप ग्लू रिमूवर यूज़ कर रहे हैं, सपोज आप यहाँ से एक ग्लास उतारने के बाद खाली डिस्प्ले को लगा के अब आपको डिस्प्ले रोकनी है, डिस्प्ले रोकने के लिए दो इसमें क्रेडल दिए हुए हैं, दो ये नॉब दी हुई हैं। अभी फिलहाल वैक्यूम बंद करते हैं और उसको हम यहाँ से वैक्यूम रिमूव करके हटा देते हैं। उसके बाद जो है अगर आप चाहो तो इसके अंदर एक और फीचर बहुत अच्छा है कि आप इसको जो है यहाँ से बंद कर सकते हैं, ये आपका जो है टेम्परेचर बंद हो गया। अब खाली आप वैक्यूम यूज़ करना चाहते हैं और आपको देखिए डिस्प्ले को रोकने के लिए एच की डिस्प्ले सारा इन्होंने प्रॉपर बनाया हुआ है, ये चीज़ ये आपने यहाँ लगा दिया जहाँ पर भी आपको रोकना है। और जैसे मेरे को ये फ़ोन फोल्ड करना है तो ये हम यहाँ लगा के
और एक जो है इसका दूसरा जो है पॉइंट वो हम यहाँ पे लगा लेंगे, और इसको जो है हम आराम से जो है यहाँ पे लगा के इसके साथ टाइट कर लेंगे, और ये जो है आपका इजीली जो है होल्ड हो जाएगा, यहाँ से आपके डिस्प्ले होल्ड हो जाएगी बहुत आराम से। ये उल्टे लगा लिए थे मैंने, एक बार दोबारा लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है इसके अंदर ये फंसना चाहिए। अब ये मैं पीछे कर लेता हूँ और थोड़ा सा लूज़ करके ये पीछे चला जाएगा, और ये जो चीज़ है हमारी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो जहाँ पे भी आपको इसे एडजस्ट करना है, जितना एडजस्ट करना है इसको आप लूज़ करते जाएंगे पीछे की तरफ, तो ये पीछे की तरफ आती जाएगी, और जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पे रख के आप इसको आराम से इसको टाइट कर लीजिएगा। ये आपका बिल्कुल जितना बाहर होगा, और इसको आप आगे से यहाँ से प्रेस टाइट करना शुरू करेंगे तो डिस्प्ले आगे बढ़ती जाएगी आपकी, और ये डिस्प्ले यहाँ पर टाइट हो जाएगी। अब जो है ना आपका ये पीस हिलेगा ना ये पीस हिलेगा, और ये पूरा फोन जो है इसके अंदर ग्रिप हो जाएगा इजीली। ये पूरा फोन जो है आपका यहाँ पर ग्रिप हो गया। उसके बाद आपको ये वाली डिस्प्ले भी अगर खोलनी है, ये एज डिस्प्ले है, तो यहाँ आप लिक्विड डाल के आराम से पत्ती डाल के इसको इजीली जो है उठा सकते हैं। आपका फोन भी ओपन हो जाएगा। अगर आप आईफोन ओपन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आईफोन ओपन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ में आपको स्टेट डिस्प्ले खोलनी है वो खोल सकते हैं, फ्रंट स्क्रीन खोलनी है वो खोल सकते हैं, बैक कवर रिमूव करना है तो आप वो भी कर सकते हैं इजीली से बैक कवर रिमूव। साथ में जो है अगर आपको डिस्प्ले उठानी है, खाली आपको फ़ोन ओपन करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं इजीली फ्रेम से जो है। ये पूरे का पूरा डिस्प्ले जो है आपको पता होना चाहिए किस साइड से लगाना है, क्योंकि एक साइड में पत्ता होता है और एक साइड में नहीं होता है, तो एक साइड से ये इजीली आईफोन में ज़्यादातर जो है जो नीचे का पोर्शन है जहाँ से हम चार्जिंग लगाते हैं उस साइड से फ़ोन जो है खुलता है, कि वहीं पर पेच लगे होते हैं और वहाँ से डिस्प्ले जो है इजीली आप सक्शन पंप लगा के जब सक करेंगे तो डिस्प्ले उस साइड से उठनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये जो पॉइंट है फिर बता देता हूँ, ग्लू रिमूवर जो लोग यूज़ करते हैं, कोई भी ग्लू रिमूवर की जो पिन है, जब आप उसके ऊपर जो यहाँ नीचे ग्लास के नीचे जो ग्लू लगी होती है उसको साफ़ करके आप यहाँ पर डालेंगे तो वो सक करके उसको साफ़ कर देगा। और ये जो होल्स दिए हुए हैं पर्टिकुलरली, ये जो ये पॉइंट्स हैं आपके, ये कहीं पे गिर ना जाए, इसलिए इनको जब आप लूज़ करके रखेंगे तो बजाय किसी और जगह संभाल के रखने के, आप बहुत इजीली इनको यहाँ पे मॉड्यूल्स को दोनों को रख सकते हैं इजीली। ये मॉड्यूल्स भी जो है आपका, अभी मैंने ये यहाँ से किया वैक्यूम ब्रेकिंग लगाया, ये रिलीज हो गई डिस्प्ले आपकी। उसके बाद आप इसको उठा के इसको आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, और देखिए एक ही सेंटर में होल है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो मतलब सक्शन स्टाइल है, वैक्यूम है, वो बहुत स्ट्रांग है अपने आप में। और तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर, ये दो यहाँ पर होल दिए हुए हैं जिन पर आप दोनों नट लगा के आप अपनी टेबल के ऊपर इसको जो है इजीली होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें 5-in-1 के साथ साथ दो फीचर ये एक्स्ट्रा है, कि उसमें ब्रेकिंग वैक्यूम दिया हुआ है ताकि आपको वैक्यूम रिलीज करने की जरूरत नहीं है, खींचने की जरूरत नहीं है डिस्प्ले को, इजीली आप वैक्यूम इसको ब्रेकिंग वैक्यूम बटन को दबाइए और डिस्प्ले इजीली हटा लीजिए, फोन इजीली रिमूव कर लीजिए। ये जो है आपकी ग्लू में जो भी निकलता है उसको, ग्लू मोटर को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिमूव करने के लिए है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपका एक क्लिक हमारी मोटिवेशन मतलब को लेवल को अप कर सकता है, तो प्लीज़ जो है मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स।